अच्छा प्लीज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा इसको ये जो फेज ऑफ द लेक्चर है इसमें चूंकि इम्पॉर्टेंट है ठीक है, और मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। मैं थ्योरेटिकली एक स्पीडी गो ले लेता हूँ ठीक है, इसको फिर मैं सिनारियों के ऊपर फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ठीक है। तो हमने क्लास ए क्लास बी क्लास सी नेटवर्क्स पढ़े थे अगर आपको याद हो, एम आई राइट? अच्छा अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक आईपी एड्रेस है ठीक है, तो अब आप देखिए क्लास ए क्लास बी क्लास सी यहाँ पर अवेलेबल है, इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क सी अवेलेबल है ठीक है। कंप्यूटर चूंकि बाइनरी में कंसिडर करता है तो हम क्या कहते हैं कि वन ऑक्टेट टू थ्री फोर, तो क्लास ए में क्या होता है वन ऑक्टेट। वन ऑक्टेट मीन्स 8 bits आर रिजर्व फॉर द नेटवर्क एंड 3 octets आर रिजर्व फॉर द क्लाइंट, क्लियर? होस्ट आर द होस्ट। इन क्लास बी 2 octets फॉर द नेटवर्क एंड 2 octets फॉर द होस्ट। इन क्लास सी 3 octets फॉर द नेटवर्क एंड 1 octet फॉर द होस्ट। सो इन क्लास ए द नंबर ऑफ होस्ट 16 million एंड 126 networks, number of networks less and clients more, mostly recommended for the internet where you have the millions of the clients or the customers. In class B 65,000 house and 16,000 networks. In class C 254 and 2. This is about the class full IP addresses. This is about the class full IP addresses. अच्छा अब यहाँ पर जो है आबासी यूनिवर्सिटी में हमने इसको क्लास लेस आई पी एड्रेसिंग किया हुआ है, समझ आ रही है? क्लास फुल में क्या है कि यू आर असाइनिंग an IP address from 0 to 1 to 7, it is considered to be class A, 128 to 191, 192 to 223, इनी range से आपको इनी rules क्या मुताबिक, समझ आ गया? हमने यहाँ पे class less IP addressing को apply किया हुआ, दोनों में फर्क क्या है वो मैं फिर आपको समझा दूंगा ठीक है। लेकिन इस टाइम आप सिर्फ इतना जहन में आप रखें कि देयर आर द 5 classes, 3 आर यूजेबल एंड डी एंड ई आर रिजर्व। डी एंड ई जो है ये अनयूजेबल है, तो आपका आईपी एड्रेस 0 से लेकर 239 तक जाएगा, बात समझ आ गई के लिए। लेकिन क्लास बी भी आप नहीं यूज कर सकते, तो क्या होगा 223 तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं ठीक। अच्छा इन क्लास ए अगर मैं ये कह दूं कि दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क, सो फ्रॉम 0 to 127 द नेटवर्क आर पॉसिबल, हाउ मच? From 0 to 127, and it starts from 0 up to 255, 0 to 255, 0 to 255, till 255.255.255 इधर तक आप आ सकते हैं, बात समझ आ रही? अच्छा अब इसका जो सबनेट मास्क है, नेक्स्ट स्लाइड पर आपको शायद मिल भी जाए ठीक है। क्लास ए इंक्लूड द फॉलोइंग, द फर्स्ट बिट ऑफ नेट आईडी इज 0, द रेट 0 to 127, पॉसिबल नेटवर्क कितने हैं 127 है, लेकिन जो है 0 भी आप असाइन नहीं कर सकते और 127 भी आप असाइन नहीं कर सकते।
1 से 126 तक पॉसिबल है। समझ आ रही थी? अच्छा, द नेटवर्क ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इन द हाउस आर 2n, यानी एन जो है अब 3 ऑक्टेट्स का है। कितना है? 3 ऑक्टेट्स का है, तो 3 ऑक्टेट्स मींस 24, सो 2^24, सो इट इक्वल्स टू दिस वन व्हेन द नंबर इज वेरिएबल। सो सच दैट हाउस 0, दीज आर द नेटवर्क एड्रेसेस वी आर यूजिंग। अच्छा, अब इसमें जो है 10 का जो सीरीज है, इट इज द प्राइवेट नेटवर्क। 10 का सीरीज क्या है? ये प्राइवेट नेटवर्क है। सो सच एड्रेसेस वर द हाउस बिट एंड दीज आर ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस व्हिच कांट बी यूज्ड। इसके अलावा 255 ये भी नहीं इस्तेमाल कर सकते और ये भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब कैसे जाएगा 10.0.0.1? समझ आ रही? इसी तरीके से 10.255.255.255.1, बात समझ आ रही? अब ये लेकिन सबका ये नहीं हो सकता, क्लियर? तो ये मतलब कुछ एग्जेम्पशंस है इसमें कि इनको आप यूज नहीं कर सकते जी। अच्छा, इसका जो सबनेट मास्क है वो क्या है? 255.0.0.0। ये बाद में मैं आपको समझाऊं, मैं कहा मैं जरा जल्दी जल्दी इससे निकल लेता हूँ। यस, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? इन क्लास बी, अब आप इसमें क्या करते हो, द टू ऑक्टेट्स आर यूज फॉर द आईपी एंड टू ऑक्टेट्स आर यूज फॉर, सॉरी, द नेटवर्क एंड टू ऑक्टेट्स आर यूज फॉर होस्ट। अच्छा, रेंजिंग फ्रॉम 128 to 191। अब इससे क्या होगा, ये दो जो ऑक्टेट्स हैं, ये नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होंगे और ये जो दो ऑक्टेट्स हैं ये किसके लिए इस्तेमाल होंगे? होस्ट के लिए इस्तेमाल होंगी, क्लियर? अच्छा, इससे रिलेटेड ये थ्योरी है। इसका जो सबनेट मास्क है, अच्छा मैं इधर लिख लेता हूं, क्लास ए एस एम 255.0.0.0, क्लास बी का सबनेट मास्क है 255.255.0.0, क्लास सी का है क्या 255.255.0, सही? फॉर क्लास सी 3 ऑक्टेट्स आर द नेटवर्क एंड 1 ऑक्टेट इज फॉर द होस्ट। अभी इस रिलेटेड ये थ्योरी है, ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें अगर मैं एक नेटवर्क को डिजाइन करता हूं, हियर इज अ सर्वर एंड हियर इज अ राउटर, and here it is SW1, it is SW2, SW3, SW4, sahi? This server is connected to this router, sahi? Ach, ab there are different scenarios over here that switch 1 and switch number 2 are interconnected and then it is connected to the router. Clear? No. What is a switch?
इट इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द रिसोर्सेस विद इन द नेटवर्क विद इन द सेम नेटवर्क और विद इन अ सिंगल नेटवर्क. अच्छा, अ राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स और दैट इंटरकनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स. बात समझ आ गई? अच्छा, अब इस बेस पर मैं क्या करता हूं कि हाउ मच ऑफ द नेटवर्क आर पॉसिबल इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. How much of the networks are possible in this infrastructure? Can someone give me the answer on this? Yes? How much of the networks are possible in this infrastructure? देखिए, इसका आसान तरीका मैं आपको बता दूं. लुकिंग टू द राउटर, हाउ मच ऑफ द इंटरफेसेस आर कनेक्टेड, दैट मच नेटवर्क. सो अपॉन द नेटवर्क, सो राउटर, एवरी इंटरफेस इज कनेक्टिंग अ सेपरेट नेटवर्क. परेशान हूं बताओ, आपके लिए ही करें. अच्छा, नहीं सही है, शेयर करें, ठीक है ना. अगर समझ नहीं आती तो यू हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चन. ये कभी कभार होता है जिस टीचर की आपको समझ नहीं आता, आपको बंदा मांडर बद लगी, और होता है ऐसे कि नहीं, या अच्छा लगता है जिस टीचर की आपको समझ आती है. ना हाँ में आंसर देते हो, ना में आंसर देते हो. नहीं, अगर समझ जिस टीचर की नहीं आती, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. अब आप देखेंटेड फोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड. अब मैं नहीं चाहता कि मैं वो वाला टीचर बन जाऊँ. समझ आ गई? अच्छा, अब आप इसमें देखें कि वन, अब देखिए ये वाला, सीमिंगली देयर आर टू स्विचेस वेयर सम ऑफ द पीसेस आर कनेक्टेड ओवर हियर एंड सम ऑफ द पीसेस आर कनेक्टेड ओवर हियर. क्लियर? बट फ्रॉम द राउटर बोथ द नेटवर्क्स आर स्विचेस आर कनेक्टेड ऑन थ्रू अ सिंगल इंटरफेस. So it is considered to be one network. यदि आप इसके physical structure पर नहीं कहोगे, मतलब जिस तरह मैंने आपसे किया in first phase of the lecture, कि ये DC lab 1 and DC lab 2, these are two different networks, but this switch is connected to the switch over there in the DC lab 1, and from DC lab 1, one backbone goes downward and it is connected to the router. So this and that is one network. बात समझ आ गई कि नहीं? अदरवाइज आप देखे ना, ये अलग है, कंप्यूटर का कमरा अलग है, सारा कुछ अलग है. समझ आ गई? Yes sir. But you have to technically answer. ठीक? अच्छा, अब इस बेस पर हम आईपी एड्रेस असाइनमेंट करते हैं. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं मेरी कह दूं ना, अगर आप नेटवर्क्स आप नेपाली और आप आईपी एड्रेस असाइनमेंट और इसके कंसेप्ट को नहीं समझते, तो बस समझ के कुछ भी नहीं आता. अब मैं क्या करता हूं कि मैं चाहता हूं कि डिफरेंट नेटवर्क्स को इस्तेमाल करूं. ठीक, मैं ऐसे करता हूं कि सर्वर को मैं क्लास सी का एड्रेस असाइन करता हूं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ सर्वर एंड इट हैज द आईपी. अच्छा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ. ठीक है, नेटवर्क वन टू थ्री एंड फोर. ठीक है, नेटवर्क वन. ठीक,
अब इसके ऊपर क्या है, एक सर्वर कनेक्टेड है, क्या है, वन सर्वर, सही। असल में स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा लाजा लेकर हूं, ठीक है। इट इज 192.168.1.1, क्लियर। अब इसका जो सबनेट मास्क होगा SM 255.255.255.0, सही। ये इसका क्या होगा, सबनेट मास्क होगा, ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब ये वाला जो नेटवर्क है, ठीक है, अच्छा मैं चलो नेटवर्क पर ऐसा लिख लेता हूं, ठीक है, कि 192.168.1.0। अच्छा ये रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क एड्रेस को, ये वन अगर आप लगाए तो फिर होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरह नेट टू की बात मैं करता हूं, ये मैं ऐसे करता हूं कि मैंने कर दिया इसका 172.16.1.0, सही, और सॉरी .0.0, सही, ये मैंने दे दिया। अब इसमें जो है इस W1 भी है, इस W2 भी है, सही। अच्छा अब इसका जो SM होगा ये 8 होगा, सॉरी ये 24 होगा, इसका SM होगा 16 सबनेट मास्क, ठीक। अब यहां पर जो स्विच नंबर 3 है, इसका मैं कह देता हूं कि नेटवर्क 3 172.17.0.0, इसका भी एसएम क्या होगा, 16 होगा। इसमें क्या है, SW3 सिर्फ है, क्या है इसमें, SW3 है यहां पर। इसी तरीके से जो है नेट 4, इसको मैं ले लेता हूं से 192.168.4.0/24, और SW4 इसमें अवेलेबल है, क्या इसमें है, सही। नो There are multiple computers connected to switch 1 and switch 2. Clear? अब इसकी जो रेंज होगी इन दोनों के लिए ये जॉइंट होगी, ठीक, रेंजिंग फ्रॉम 172.16.0.1 से 172.16.255.254 तक, ठीक, कोई भी हो सकता है /16/16, मैं समझा लूंगा मतलब इसका क्या है। मतलब ये है कि इनमें से आप अगर करोगे ना, सही, तो आपने स्विच नंबर 1 पे इस रेंज से लेकर इस रेंज तक कोई भी आईपी एड्रेस आप असाइन कर सकते हो, सिमिलरली इन दिस वन, ठीक। नो अगर 1 इधर है तो 2 शायद उधर हो, 3 इधर है, 4 भी इधर है, 5 शायद उधर हो, कैसे भी आप कर सकते हैं, बिकॉज फिजिकली इट इज अ सिंगल नेटवर्क, फिजिकली इट इज अ सिंगल नेटवर्क, इधर आपने तरफ पार्टीशन की हुई, अदरवाइज जो है इन द आईज ऑफ द नेटवर्क इट इज
बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर आप फॉर एग्जांपल इस पीसी से इधर पिंग करो या यहां पर पिंग करो, डेटा कम्युनिकेशन करो या कुछ करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, अब इससे थोड़ा समय आपको बता दूं कि यहां पर जो एड्रेस होगा राउटर का, इसको भी हम एक इंटरफेस असाइन कर देते हैं, आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। मैं ऐसे कह देता हूं, तो एवरी इंटरफेस ऑफ द राउटर वी असाइन अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। व्हाट इज माय हैबिट, मैं आदतन कैसे करता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं नेट वन की बात कर रहा हूं, समझ आ रही थी नहीं, तो नेट वन के राउटर इंटरफेस को मैंने ये आईपी दी राउटर को, और सर्वर को कोई भी आई को ले दे सकता हूं। क्लियर? यस सर। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां से एक रिक्वेस्ट आएगी राउटर में, कोई रिक्वेस्ट आ गया राउटर में, तो अब ये राउटर चेक करेगा कि ये रिक्वेस्ट का डिस्टिलेशन क्या है, व्हाट इज द डिस्टिलेशन ऑफ दिस राउटर। तो अब जो ये वाला आईपी एड्रेस है, इट इज द इंटरफेस आईपी वन। ये किसका है, किसका इंटरफेस आईपी एड्रेस है? राउटर वन का। ये हम उधर जब जाएंगे उधर भी करेंगे, पैकेट ट्रेसर में भी हम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझा दूं कि थ्योरेटिकली आपको समझ आएगी तो फिर तब आपको उधर भी समझ आएगी, इधर आपको समझ नहीं आएगी तो पूरा कोर्स भी आप पढ़ लोगे फिर भी समझ नहीं आएगी कि हमने क्या किया है। अच्छा, अब अगर मैं ये कह दूं कि इस तरह का एक रिक्वेस्ट आ गया यहां से पिंग 192.168.1.1, तो इट बिलोंग्स टू 172 नेटवर्क। ये किस नेटवर्क से बिलोंग करता है? सही। अब इसका गेटवे जो है ये इंटरफेस टू है, इंटरफेस टू इसका गेटवे है। व्हाट इज द गेटवे, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इट इज अ डायरेक्शन अपॉन विच अ नेटवर्क कनेक्ट्स टू द एक्सटीरियर नेटवर्क्स, टू अदर नेटवर्क्स। ठीक, तो अब ये इसका गेटवे होगा, तो ये रिक्वेस्ट इस गेटवे के थ्रू आएगी इस राउटर के पास। राउटर के पास आ गया। yes. अब राउटर जो है डिसाइड करेगा कि ये रिक्वेस्ट किसके लिए है, सो इट विल चेक इट्स अदर इंटरफेसेस, इट विल चेक इट्स अदर इंटरफेसेस कि मेरे किसी इंटरफेस को ये 192.168.1.1 आईपी असाइन तो नहीं हुआ। इस बात की समझ आ गई? अगर असाइन हुआ है तो उधर ये पिंग रिक्वेस्ट चला जाएगा और वो रिप्लाई कर देगा। यहां तक समझ आ गई क्या? नहीं। अच्छा, अब देखो सर्वर का आईपी से ये है 192.168.1.5 है, सही है, क्लियर। अब यहां से एक बंदे ने पिंग किया .3, यानी नेटवर्क नंबर टू से किसी ने पिंग किया 192.168.1.3, सही।
अब यहाँ पर जब ये रिक्वेस्ट आ गया राउटर के पास, तो इसके तो किसी इंटरफेस का ही आईपी एड्रेस नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं? अब कैसे ये राउटर डिसाइड करेगा कि ये वाला आईपी एड्रेस कहीं अवेलेबल है नेटवर्क के ऊपर के नहीं अवेलेबल? बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं कि इधर भी मैं एक स्विच लगा लेता हूं इस W0 और इसके साथ कुछ और भी पीसीज हैं। चलो समझ आ गई? Yes. सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं किया। अब इस सूरत में रोटर क्या करेगा? चेक करेगा कि ये कौन सा नेटवर्क है, विच नेटवर्क। क्या विच नेटवर्क? सही। अब इस के बेस पर इफ इट इज अ क्लास फुल आईपी एड्रेस, यानी जो क्लास ए क्लास बी क्लास सी इसके मुताबिक अगर है, तो ये चेक करता है कि इसका जो नेटवर्क पार्ट है वो क्या है। So this is the network part. बात समझ आए? अब ये कैलकुलेट कैसे करता है? ये कैलकुलेट कैसे करता है, समझ आ गई? क्योंकि क्लासफुल है तो क्लासफुल में समझने में आसान है तरीका, क्लासफुल और क्लासलिस्ट का सेम है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्लासफुल लिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये कैलकुलेट करता है अगेंस्ट 255.255.255.0, इसके अगेंस्ट इसको चेक करता है। सही। ये चेक करता है इसके अगेंस्ट। Using OR operator. कौन सा? Using OR operator. करता ही क्या है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट ले लेंगे सबनेट मास्क का, तो इट इज 1111111111111111111100000000 ये इसका क्या है? सबनेट मास्क है। अब ये क्या है? इसका नेटवर्क। सही, यानी डॉट 3 है ना, 3 के साथ ही ले लेगा तो इसको ड्रॉप कर देगा और इस पार्ट को, ये वाला जो पोर्शन है, इसको भी बाउंड्री में कन्वर्ट कर लेगा। तो अगर ये बाउंड्री में कन्वर्ट करती है 0 0, ऐसे ही आएगा, ये क्या जाएगा 1000000, और 168 को अगर हम करेंगे, आसान तरीका है आप 2 पर डिवाइड करें, टाइम नहीं है तो मैं चाहता हूं कि हम इसको डायरेक्ट कर लें, ठीक है ना? ये क्लास किस टाइम खत्म होती है? अच्छा चले सही। इसमें प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर ये है ना, 168 है ना, 168। हाँ, इसका बाइनरी क्या आता है? ये क्या आता है? 10101010100
और 192 क्या आता है? डबल 100000 ये आता है। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? ये और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। कौन सा और ऑपरेटर? आपको पता है कि वो प्लस। अब इससे ये 0000 आएगा, ये क्या आएगा? इससे 111111 सही। ये क्या आएगा? और नहीं, एंड ऑपरेटर है, ठीक है ना, एंड ऑपरेटर है। तो ये क्या आएगा इससे? जीरो। हाँ, ये जीरो 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 ये वन आएगा। ये क्या आएगा इससे? वन जीरो वन जीरो वन जीरो 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 आएगा। और बाकी इससे ये क्या आएगा? वन वन जीरो 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 सही। कैलकुलेट करेगा तो इससे आएगा 192.168.1.0 ये आ गया। अब राउटर क्या करेगा? इट विल थ्रो दिस रिक्वेस्ट अपॉन दिस इंटरफेस। इस इंटरफेस के ऊपर ये थ्रो करेगा। विल बी रिसीव्ड बाय द स्विच, इट विल ब्रॉडकास्ट इट। It will broadcast. क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये रिक्वेस्ट आ गई तो आपको पता है कि ये क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट में भी ये सेंड कर देगा। अगर किसी भी नेटवर्क का आईपी एड्रेस 192.168.1.3 अगर है यहां पर तो उसको ये गेट कर लेगा। रिस्ट विल डिस्कार्ड इट। बाकी क्या करेंगे? इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब जब ये रिप्लाई दे देगा तो रिक्वेस्ट यहां पर आ गई, बात समझ आ गई कि नहीं? एंड इट विल बी सेंड टू दैट स्पेसिफिक मशीन। आई थिंक बात समझ आ गई। अच्छा, अब राउटर का काम क्या है? राउटर इज डिवाइस दैट डिस्टिंग अमॉन्ग डिफरेंट नेटवर्क्स। राउटर का क्या काम है? कि वो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में डिस्टिंक्शन करे। राउटर नेवर ब्रॉडकास्ट। राउटर नेवर ब्रॉडकास्ट। इट राउट्स द पैकेट इंफॉर्मेशन ओनली ऑन द स्पेसिफिक पाथ। क्लियर? इफ अ रिक्वेस्ट कम टू द राउटर फॉर सच अ नेटवर्क that is not available with it, the request will be discarded. The request क्या होगी? Discard हो जाएगी। So a router is like a gateway that connects multiple networks to one another. Clear? Yes. How the networks? Distinct the networks. The router distinct the networks based on the subnet mask. The router distinct different networks based on the subnet mask. So, when a request comes to a router, it takes the network part. It takes the IP address of the request and or with the subnet mask to get the network part, to get the network ID.
to get the network ID. And once the network ID is taken, then the request is sent or broadcasted to that specific network. मैं ब्रॉडकास्ट का लफ्ज इधर इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है ना? मैं क्या ऐसे द पैकेट इज राउटेड टू दैट स्पेसिफिक नेटवर्क. क्लियर? यस. सो इफ द होस्ट इज अवेलेबल ऑन दैट स्पेसिफिक नेटवर्क, इट गिव्स अ रिप्लाई एंड द अदर होस्ट discard the packet and the other host discard the packet. अब देखिए यहां पर अगर ये सर्वर है, इसके साथ और भी सिस्टम्स कनेक्टेड है, बात समझ आ गई? और भी सिस्टम यहां पर कनेक्टेड है, बात समझ आ गई? लेकिन ये क्या करेगा, यहां पर इसने इस गेटवे के ऊपर डाल दिया, इंटरफेस के ऊपर डाल दिया रिक्वेस्ट. अब यहां पर रिक्वेस्ट आ गई स्विच के पास, तो ये स्विच भी हो सकता है डायरेक्ट, सर्वर भी हो सकता है. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर से स्विच को निकाल दूं, ठीक, तो सर्वर ये रिसीव करेगा डॉट थ्री, तो सर्वर इसको डिस्कार्ड कर देगा. देखिए इसका रिक्वेस्ट तो नहीं, तो आपको पिंग रिप्लाई मिलेगी रिक्वेस्ट टाइम आउट. आपको रिप्लाई क्या मिलेगी? रिक्वेस्ट टाइम आउट. अब समझ आ रही बात ही कहनी. अब अगर देखिए ये फाइव है, अब यहां से देखिए इसने थ्रो किया 192.168.1 के ऊपर, ठीक. अब यहां पर ये तो डिस्कार्डेड है ना, तो इसके ऊपर इसने सेंड कर दिया, यहां पर रिक्वेस्ट आ गया फाइव इसके साथ है, इट विल रिप्लाई. तो फिर आप पिंग रिप्लाई में जाता, बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अ राउटर इज अ डिवाइस that finds a path from source to destination. What is a router? It is a device that finds a path from source to destination. The question is how? तुम्हें तो बात नहीं है, तो बोले ना. जी ये सर, आप हाउ बोलेंगे तो मैं आंसर दे दूंगा, तो मेरे दे रही हूँ. चलो सही है, ठीक है. अच्छा, based on the routing table, based on the routing information, based on the routing information stored in the routing table, मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं. घर से आपको कहा जाता है, बाजार तबलाट शाम तक फ्लान की दुकानदार आपका ना बता शीज रावा से आपसे कह देते, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो पंडित मार हूँ, नहीं समझ आ रहा? फरमाबरदार बच्चा होता है तो क्या कहेंगे? चलो सी बाजार तक तो मुझे पता है ना, बाजार चला जाऊंगा उधर फिर पता कर लूंगा. Do you understand? Yes. तो होता ये है कि when
What is the purpose of a router? It finds a path to other networks. It finds a path to other networks. Is there A nikle A? A. Maybe directly connected. B आप लिख लें इनडायरेक्टली कनेक्टेड. बात समझ आ गई? इनडायरेक्टली कनेक्टेड मीन्स दैट देयर इज अ नेटवर्क समवेयर एल्स व्हिच इज कनेक्टेड टू सम अदर राउटर. यस सर. एंड दैट राउटर इज कनेक्टेड टू दिस राउटर. So that is a separate network. It is a separate network. So these networks are directly connected to, say, it is router 1 and it is router 2. Samajh aa gayi? Yes, sir. Achha. अब मैंने कहा कि क्वेश्चन क्या है, हाउ. तो मैंने क्या कहा कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द राउटिंग टेबल. यानी कैसे पाथ फाइंड करेगा? ये क्या कहता है जो सिनेरियो मैंने आपको बताया कि बाजार जाओ फला शॉपकीपर के पास ये करो. आप कहते मुझे तो नहीं पता. फरमाबरदार बंदा होते तो फिर वह क्या कहते हैं? मुझे तो नहीं पता, उधर चला जाऊंगा पता कर दूंगा. So this is the situation. Okay, the information with this router is not available, but there is one other router connected to it. It will send this request to router 2. उससे पूछ देगा कि आपके पास है कि नहीं. उसके पास भी नहीं है, बस फिर कह देगा कि किसी को पता नहीं. अगर कि वो आपको दुकान के सामने ही क्यों करेगा? Because you don't have the information, and the other router also don't have the information to which you are connected. मेरे बात समझ आ रही है? This is the reason. So it finds about a path to the known hosts, not to the unknown hosts. अब नॉन होस्ट क्या है कि जिनके राउटिंग जिनके इंफॉर्मेशन नेटवर्क के पास किसी न किसी लेवल पर अवेलेबल होते हैं. एंड अननोन होस्ट हूज नेटवर्क इंफॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल विद एनी ऑफ द राउटर. तो क्या कहलाएगा? अननोन होस्ट कहलाएगा. देखिए मैं मिसाल दूं ना, आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो ना, तो वो आपको इधर कैसे नजर आता है? या इसके ऊपर वो येलो सा पेज सा नजर आता है. yes, sir. तो वो येलो पेज क्यों नजर आता है? कि नेटवर्क के साथ ये कनेक्टिविटी अननोन है, ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा. तो ना इधर रिक्वेस्ट आती है ना इधर से जा सकती है. अगर आप इधर देखें तो वो इधर एक छोटा सा पीसी बना होता है बाथरूम में. yes, यहाँ पर. और पीसी के ऊपर क्या होता है? एक येलो सा पेज बना होता है. अगर वो येलो सा पेज हो तो क्या मतलब है कि फिजिकली इट इज कनेक्टेड बट इट डजंट रिकॉग्नाइज बाय द कनेक्टेड नेटवर्क. इट डजंट प्रोवाइड इट्स नेटवर्क इंफॉर्मेशन. कंसेप्ट भी समझ आ रही है? यानी तो अब आप देखें ना, आपसे एक ऐसे नेटवर्क के बारे में क्वेश्चन होता है कि विच इज नॉट नोन टू यू. ठीक, यू सेंड द रिक्वेस्ट टू अदर कनेक्टेड नेटवर्क, बट इफ द रिक्वेस्ट आल्सो नॉट नोन टू इट, यू गेट द रिक्वेस्ट टाइम आउट. बात समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, अब एक थर्ड क्वेश्चन में जनरेट कर लेता हूं कि
how the routing table is created. How the routing table is created. तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स विद द हेल्प ऑफ विच अ राउटिंग टेबल भी कैन बी क्रिएटेड ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन नंबर वन स्टैटिक राउटिंग नंबर टू डायनेमिक राउटिंग ब्रॉडली आप कैसे कैटेगराइज करते हो और डायनेमिक राउटिंग अब व्हाट इज डन इन दिस बस ये खत्म करता हूं मैं इसके साथ ठीक है व्हाट यू मीन बाय द स्टैटिक राउटिंग इन विच यू मैन्युअली गिव द राउटिंग इंफॉर्मेशन टू द राउटर एंड अपडेट द राउटिंग टेबल आप क्या करते हो राउटिंग इंफॉर्मेशन को मैन्युअली फीड करते हैं यानी जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड हैं तमाम नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो मैन्युअली इंसर्ट करते हो बात समझ आ गई चाहे दो आप देखिए यहां पर कितने नेटवर्क हैं 1 2 3 4 5 ठीक है तो ये तमाम आपको मैन्युअली दे रहे हो अब अगर 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200 नेटवर्क होंगे सबको आपने एक एक करके मैन्युअली फीड करना होगा समझ आ गया दूसरा क्या है डायनेमिक राउटिंग इन द डायनेमिक राउटिंग देयर आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स दोस में find the shortest path among the networks. समझ आ गई? इधर लफ्ज़ मैंने लिखा है M A Y में. क्या मतलब है? अगर मिल गया तो ढूंढेगा अगर नहीं मिला तो इसके बजाय ना मैं को हटा के भी कर सकता था द राउटर फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे भी पॉसिबल था ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना जरूरी नहीं कि हर टाइम शॉर्टेस्ट हो कभी सेकंड शॉर्टेस्ट थर्ड शॉर्टेस्ट भी हो सकता है बात समझ आ गई थी इसमें फिर कई सारे प्रोटोकॉल ठीक है जो कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होते हैं उसमें अरे वर्जन 1 है अरे वर्जन 2 है EIGRP 1 है EIGRP 1 EIGRP 2 OSPF BGP BJP नहीं BGP Border Gateway Protocol साथ में लिख ले etc ठीक इंशाल्लाह एग्जाम के बाद आएंगे तो यही सिनारियो है मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पैकेट ट्रेसर में डिप्लॉय करूं फिर उधर राउटर्स के ऊपर डिप्लॉय करने की कोशिश करूं काफी है जी ये